हेलो गाइस, उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमौली विधानसभा क्षेत्र में परंपरागत तरीके से बूढ़े बाबा का मेला शुरू हो गया है। पहले दिन ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु मेले में पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने चर्म रोग से मुक्ति के लिए जलाशय में स्नान किया। सर्द मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं ने मेला में काफ़ी उत्साह दिखाया। श्रद्धालुओं ने बूढ़े बाबा के स्थान पर प्रसाद चढ़ाकर मनोती मांगी। शनिवार को जब मेला शुरू हुआ तो श्रद्धालु मेले में उमड़े। श्रद्धालुओं ने आस्था के चलते जलाशय में स्नान किया, बूढ़े बाबा के स्थान पर प्रसाद चढ़ाया और माथा टेक कर मनोती मांगी। ठंड में भी श्रद्धालुओं ने जलाशय में स्नान करके उत्साह दिखाया। श्रद्धालु मिट्टी भी ले गए। श्रद्धालुओं द्वारा स्नान और पूजा अर्चना करने का सिलसिला चलता रहा। मेले में चाट पकौड़ी की दुकानों को भी काफ़ी भीड़ रही। बच्चों और महिलाओं ने खूब आनंद लिया। महिलाओं ने ज़रूरत की वस्तुओं की सामान खरीदे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं। मेले के मद्देनज़र संभल में मनोटा मार्ग तमाम रास्तों पर यातायात बहाल रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो यहाँ पर मेला लगता है चर्म रोग से मुक्ति के लिए। हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। अगर चर्म रोग या त्वचा से संबंधित कोई भी अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो यहाँ आकर आप स्नान कर सकते हैं, और या यहाँ का पानी बोतल में ले जाकर अपने घर बाल्टी में डालकर स्नान कर सकते हैं। तो 100% आपको शिफा मिलेगी। यहाँ श्रद्धालु काफ़ी टाइम से आते हैं, बहुत ही टाइम से इस मेले का आयोजन होता है। ये बूढ़े बाबा का मेला असमौली। आपको अगर दांत खुजली किसी भी प्रकार की समस्या है, स्किन प्रॉब्लम से संबंधित त्वचा का कोई भी रोग हो तो यहाँ आकर आप डुबकी लगाइएगा और आपकी समस्या का जड़ से खात्मा हो जाएगा। तो यहाँ पर लोगों की आस्था है। यहाँ पर बहुत बहुत दूर के श्रद्धालु आते हैं और डुबकी लगा कर जाते हैं, कुछ लोग पानी लेकर जाते हैं। इस प्रकार का सिलसिला लगातार 8 दिन तक चलता रहता है। शनिवार के दिन जात लगती है। आप यहाँ पर आइएगा तो जात लगा कर जाइएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो बहुत ही बड़ा आयोजन होता है मेले के यहाँ। तो ये भीड़ आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर मेला भी लगता है। ये आस्था के हिसाब से कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर प्रसाद है, और अगर पानी ले जाएं तो पीपीओ का भी इंतजाम है पूरा। ये देख सकते हैं आप, ये अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं और पानी चेहरे पर लगा रहे हैं। तो जहाँ तक भी आपको नज़र जाएगी आपको श्रद्धालु देखने को मिलेंगे, डुबकी लगाकर तालाब में जा रहे हैं। ये भी बच्चा डुबकी लगा रहा है। यहाँ पर अगर त्वचा का कोई भी रोग है आपको तो यहाँ आपको समस्या का आपकी समाधान 100% हो जाएगा। तो जहाँ तक भी आपको नज़र जाएगी श्रद्धालु श्रद्धालु ही आपको दिखेंगे। असमौली में बूढ़े बाबा के मेले का आयोजन हर साल किया जाता है, और बरसात भी ज़रूर होती है इनके मेले के टाइम पर। तो 2 दिन पहले बरसात भी हुई है, तो अभी तो फ़िलहाल मौसम खुला हुआ है, नहीं तो बरसात भी होती है। तो ये आप देख ही सकते हैं, ये प्रसाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मेले की गली है, यहाँ पर अभी आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार का सामान चाहिएगा, पत्थर का लकड़ी का, तो वो भी मिल जाएगा। ये हमारे अंकल जी हैं, और ये ढोलकों की दुकान है। यहाँ पर आप ढोलक ख़रीदना चाहें तो ढोलक खरीद सकते हैं। यहाँ पर दुकानदार भी बहुत बहुत दूर से आते हैं, और इनकी बिक्री भी अच्छी खासी हो जाती है। यहाँ पर ये ढोलक है, और ये लोहे का सामान बेच रही हैं आंटी जी। और अगर आपको पत्थर का सामान ख़रीदना है, चक्की हो या सिल हो, तो यहाँ पर आप
खरीद सकते हैं बहुत ही सस्ते दामों पर। आपको पत्थर का सामान दिया जाता है, ये काफ़ी सारी मसाला पीसने की सिले हैं, देसी हाथ से जो मसाला पीसा जाता है, ये चक्की है। तो अगर पत्थर का भी आपको किसी प्रकार का सामान लेना हो, चक्की से संबंधित या ये देसी सिल है सिल से संबंधित, तो आप यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं। तो काफ़ी भीड़ भाड़ रही आज मेले में, तो तमाम दुकानें लगी हुई हैं इसी तरह की, तो ये देख ही सकते हैं आप, काफ़ी तगड़ी भीड़ देखने को आपको मिलेगी चारों तरफ तालाब के। श्रद्धालु ही नज़र आएंगे आपको, और कुछ डुबकी लगा रहे हैं, कुछ चेहरा धो रहे हैं, कुछ पानी भर रहे हैं, कुछ तालाब में बरसात डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाते हैं। अगर आप इलाज करा कर सकते हैं तो यहाँ एक बार आप सेवा अवश्य दीजिएगा, हो सकता है आपको सफलता ज़रूर मिले, 100% ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि यहाँ से शिफा ज़रूर मिलती है। इस प्रकार आप ये देख ही सकते हैं पूरे मेले का दृश्य मैं आपको दिखला रहा हूँ यहाँ पर। बहुत ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, और इसके अलावा आपको मेला घूमना तो मेला भी घूम सकते हैं, मेले में भी इंडोले वगैरह और सर्कस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा बहुत कुछ हुआ या है, किसी भी प्रकार के झूले हैं, कई तरह के इंडोले होते हैं, सब तरह के आपको झूले भी देखने को मिल जाएंगे, ये देख ही सकते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, काफ़ी दूर से मैंने जूम करके दृश्य लिया है, देख सकते हैं दूर पता हूँ यहाँ पर। तो ये हुआ, आप देख ही सकते हैं इंडोला चल रहा है, मैं यहाँ पर खड़ा था, मैंने यहाँ से दृश्य लेना चाहा, तो काफ़ी अच्छा दृश्य आ रहा है यहाँ पर भी। तो ये कई तरह के झूले हैं, ये भी झूला है एक बच्चे के झूलने के लिए। तो आप मेले में घूम सकते हैं। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, धन्यवाद।